आज का वीडियो जो है वो DLED सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट तो हो चुका है, सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, और इसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके दो टॉपिक होंगे। एक तो आपके होगा ब्रैकेट के टाइप और एक बॉर्ड मास। मेन चीज़ बॉर्ड मास ही है, सिंप्लीफिकेशन ही है उसके अंतर्गत। तो इसमें यही है कि हमें जो बॉर्ड मास या इसको बी बॉर्ड मास भी बोलते हैं, तो दो नाम हैं इसका, रूल एक ही है, नाम इसके दो हैं। पुराना जो नाम था वो बॉर्ड मास ही था, अब जो है वो बी बॉर्ड मास करके लिख के आने लगा है। तो उससे पहले हम आपको इस वीडियो में समझानेंगे ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, उसको बताएंगे अभी। और इस टाइम जो वीडियो शूट कर रहे हैं तो लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन एक्सटेंड हो ही रहा है। ये तो वही कंडीशन हो रही है इस टाइम, जैसे हम बचपन में मार्केट में आते थे मम्मी के साथ में, तो कहते हम थक जाते थे चलते थे, वो कहते बेटा थोड़ा सा और दूर है, बस अभी ज़रा सा दो कदम दूर है, थोड़ा सा और चलना है बस। तो दो कदम चले, अरे बस थोड़ा सा दूर दूर है। तो ऐसे करते करते वो पूरा मार्केट हमें घुमा देती थी। तो वही सेम पोजीशन इस टाइम हो रही है कि दो दिन का, तीन दिन का, फिर दस दिन का इकट्ठा, फिर पता नहीं कितने दिन का, तो चल ही रहा है अभी। और आपसे लगभग एक दो साल बाद भी अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो बता दें कि इस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब वाली कंडीशन है, जो वही चल रही है। आपने सुना भी होगा ना, मतलब अब काफ़ी टाइम बाद भी अगर वीडियो देख रहे हो ये, तो बहुत बुरी स्थिति है इस समय। और उन सभी लोगों को जो इस आपदा में, इस महामारी में अपनी जान खोए हैं, और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, और भी लोग जो सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी इस महामारी में जान खोई है, उनके लिए बहुत दिल से क्या कहें, एक श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं, और ज़्यादा हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हर इंसान इस समय हेल्पलेस है, असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। फिलहाल तो आज का जो वीडियो था वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट की बात आती है। तो पहले तो देखिए तीन ब्रैकेट मेन हुआ करती थी, अब जो है कई जगह आपको चार ब्रैकेट मिलेंगे। तो अगर आपको DLED के एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपके एग्ज़ाम में या DLED का या कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं, कोष्ठक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप चार प्रकार के कोष्ठक बताएंगे। कौन कौन से होते हैं चार टाइप के ब्रैकेट? सबसे पहला तो आपका होता है रेखा कोष्ठक, जो बार ब्रैकेट बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं विनिकुलम बोलते हैं, विनिकुलम बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ड जो है ना थोड़ा सा हो जाता है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तो इससे जो आपका जो बी बॉर्ड मास वाला जो नियम है ना जो इसमें जो बी है वो यही वाला है, ठीक है? वो अभी अब बी बॉर्ड मास को बताएंगे तब बता देंगे, पहले ब्रैकेट देख लो। तो ये बार ब्रैकेट हो जाती है, इसमें क्या होता है कि छोटा ब्रैकेट होता है, छोटे ब्रैकेट के ऊपर जो अंदर संख्याएं लिखी होती हैं उनके ऊपर ऐसा डंडा खींच देते ना, ऐसा करके केवल, जैसे 3+2 छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसके ऊपर ऐसे हमने बार खींच दिया, तो ये हो जाएगा आपका बार ब्रैकेट। क्लियर हो गया? बस यही होता है छोटा ब्रैकेट। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट आपकी आती है, वो इस तरह से होती है। और फिर आता है मझला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इस तरह की होती है, ये थोड़ा सा कर्ल होता है, जिससे बाल नहीं होते, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के बाल होते हैं, और मैं नहीं बोलूँगा वो बोल मतलब खाली में विवादों वाली बातें नहीं बोलना है। तो कर्ली ब्रैकेट जो जैसे बाल कर्ली होते हैं उस टाइप से, सेम वैसे इसे कर्ली होता है, ठीक है? तो इस तरह। और इसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, वो इस तरह की होती है। और तो कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक होता है क्या है एक्चुअल में? तो कोष्ठक जो होते हैं ना, कोष्ठक एक ऐसे गणितीय चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग जो होता है हम कि संख्याओं को या चिन्हों को अलग दिखाने के लिए प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनका जो यूज़ है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आ भी रहे होंगे, कोष्ठक के प्रकार साइड में आपको दिख भी रहा होगा। तो कोष्ठक जो होते हैं आपका, वो अलग कर संख्याओं और चिन्हों को अलग करने के लिए जो है वो करते हैं। जैसे हम बच्चे, कई सारे स्कूल में अगर बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, एक लाइन में आप लगा देते हैं क्लास के हिसाब से, या उनकी हाइट के हिसाब से लाइन में लगा देते हो, तो क्या करते हैं थोड़ा गैप रखते हैं ना बीच में, तो वो गैप जो है वहाँ पे तो दिखा सकते हैं, लेकिन मैथ में जो होता है संख्याओं को गैप करने के लिए क्या करेंगे, तो संख्याओं चिन्हों को गैप करने के लिए इन कोष्ठकों का प्रयोग
किया जाता है। फिर आता है यूज की बात, कौन सा क्वेश्चन पहले क्या करते हैं, खोलते कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो जैसे क्रम में मैंने लिखा रखा है वैसे सेम आपको सॉल्व करते हो। तो देखिए बॉड मास के रूल में सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट जो होता है, यानी कि ये जो 12 वाला नंबर होगा वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर 12 वाला नहीं है तो फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ये वाली ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट में लिखी हुई नंबर। अब देखते हैं कि ये बॉड मास या बी बॉड मास एक्चुअल में है क्या, ठीक इसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं बॉड मास या बी बॉड मास रूल क्या होता है। दोनों नाम अलग बोल सकते हैं लेकिन तरीका लगभग दोनों का एक ही है, एक ही चीज़ है, वही नाम है कि किसी को दूसरे नाम से बोल दो तो उसका मतलब वो इंसान नहीं बदल जाएगा। अगर आपका दोस्त है, आपको घर पे उसका नाम कुछ और होगा, आप कुछ और बुलाते हो स्कूल में कुछ और है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान बदल जाएगा। सेम वही चीज़ है बॉड मास रूल या बी बॉड मास, एक ही बात होती है। तो देखिए बी से वही वेनिक कॉलम, ठीक है, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, रेखा कोष्ठक हिंदी में बोला जाता है, और ये इस तरह से होता है अभी बता चुके हैं। और तो ये बी का मतलब यही है, अगर आप बी को शामिल ना करें तो बॉड मास ही रूल केवल बोलें तो वो भी गलत नहीं होता है। तो जो आपका जो बॉड मास में जो ब्रैकेट वाला जो है, तो इसमें जो बार ब्रैकेट आपका इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉड मास नियम या बी बॉड मास एक ही चीज़ है। फिर आप जो इसमें बी जो एक तो जो आपकी वाली होगी UBB, फिर आपकी AB वाली बी, तो इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, कोष्टकों के यानी कि जो छोटा मझला और बड़ा यानी कि स्मॉल कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आते हैं ओ मतलब होता है ऑफ मतलब का जो होता है का को यानी ऑफ को हम बाद में मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, गुणा जब जो सॉल्व करते हैं तो का ही नहीं रहता, बाद में उसको गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग या डिवाइड, ठीक, तो भाग जो होता है उसका भाग करेंगे। और ये भाग जो होता है ना भाग को भी हम क्या करते हैं, मोस्टली भाग जो होता है भाग को हम गुणा में ही चेंज करते हैं बाद में। और गुणा में चेंज करने का जो नियम होता है उसका वो ये होता है कि आगे की जो संख्या होती है हम उसको पलट देते हैं, क्लियर। ऐसे जैसे कैसे कर, अगर इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है, तो ऐसा करेंगे कि ये भाग की जाए जैसे ही गुणा करेंगे तो ये संख्या को हम उल्टा कर देंगे, तो क्या 2/1 हो जाएगा या सिर्फ 2, ठीक। तो ये क्या होता है, भाग से गुणा में जब चेंज करते हैं तो आगे वाली संख्या क्या होती है, जो चिन्ह के आगे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो पलट जाती है, ठीक, ऊपर नीचे, नीचे का अंश बटे हर से हर बटे अंश हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुणा। तो ये एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का बात एडिशन यानी जोड़, और एस मतलब घटाओ। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, कोष्टकों को तो सॉल्व करते हैं इस अरेंजमेंट में, क्लियर हो गया, कोष्टकों को तो इस अरेंजमेंट है, लेकिन ये जो रूल है आपका यहां से जी ODMAS यानी कि का भाग गुणा जोड़ और घटाओ, ये आपका कोष्टकों के अंदर भी अप्लाई होता है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत लोग नहीं बताते हूं, मैं बता रहा हूं, जो ये लाइन ब्रैकेट वाला जो चक्कर होता है, एक को बोलते हैं इसे रेखा कोष्ठक, तो इसमें जिन जिन संख्याओं के ऊपर ये जो बार लगा हुआ रहता है आपका बार, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 ये इनके तीनों के ऊपर बार लगा है, तो ये क्या होगा, इनको इस चिन्ह से मतलब नहीं होता है, ये अपना केवल इससे 1, 2, 3 ये माइनस प्लस इन्हीं से सॉल्व होंगी, इसको इस चिन्ह से मतलब, ये 1 है ये आपका, इसको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक ये इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। कैसे, अगर देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ -1 अगर हम कंसीडर कर लें तो ये मतलब जुड़ जाएंगे सेम चिन्ह, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग रहता है, ये इस ब्रैकेट के अंतर्गत रहते हुए संख्याएं क्या होती, अलग होती हैं, क्लियर हो गया, समझ में आया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में तो उनकी क्या होता है, वो रहते तो क्लास में हैं लेकिन वो अलग दुनिया में खोए रहते हैं, सेम वही है कि हैं तो इसमें लेकिन इसमें वो जब तक कि सॉल्व नहीं हो जाते तब तक कि इसमें नहीं मिलाए जाते हैं, तो ये अलग रहते हैं जिन किन के ऊपर हम बार लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बॉड मास में, यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, अगर यही आज तक नहीं पता है तो ध्यान रखना, जो बॉड मास में जो भी चीज़ जिसके ऊपर बार लगा है वो सबसे पहले सॉल्व होती है, और उसको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता जब तक कि वो सॉल्व होकर वैल्यू यहाँ तक आ नहीं जाएगी। जैसे इसको इन तीनों को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको बाद में हम घटाएंगे, अभी इन तीनों, ये तीन ही आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, अब इसका क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो
तो ये आप चीज़ ध्यान रखना कि ये जो गुणा भाग और जो जोड़ वाला जो नियम है वो इन ब्रैकेट के अंदर भी अप्लाई होता है। जैसे कभी कभी नहीं भी लिखा तो ये ब्रैकेट के अंदर भी, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो पहले लाइन वाला सॉल्व करेंगे, इसके बाद जोड़ घटाव जो होगा या गुणा वो पहले करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करेंगे अगर दिया होगा सब, उसके बाद गुणा होगी, फिर जोड़ होगा, बाद में सबसे लास्ट में घटाया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 10 जो लिखा है वो बिना ब्रैकेट का, इसके बाद यहाँ से बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हुई 6 प्लस और फिर मझली ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया, इसके बाद 2 माइनस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई 4 माइनस, और ये जो लाइन ब्रैकेट है 1 माइनस 2 प्लस 3 और फिर ब्रैकेट सारे क्लोज हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी है। 10 है, 10 ऐसे लिखा है उसको ऐसे छोड़ दो, 10 अभी ऐसे रहने दो, हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्लियर, उसमें भी इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम इस बार वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसको लेंगे 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस, क्लियर। अब देखो 1 माइनस 2, एक में से दो घट जाएगा क्योंकि इसको माइनस चिन्ह इससे मतलब है ही नहीं, ये अलग हैं इतने, तो ये दो में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का एक बचेगा, कितना, यहाँ पे देखो 2 माइनस 3, ऐसे साइड में लिख के हल कर लो इसको, सबसे अच्छा यही है, साइड में सॉल्व कर लो इन्हें, 1 माइनस 2 प्लस 3 इसे सॉल्व कर लो। तो ये देखो 1 में से 2, अब 2 बड़ा है तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 3, फिर घटा लेंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह घट तो जाएंगी, कितना बचेगा, ऑल ओवर 2 बचेगा घट पिट के, ठीक है जो भी, ठीक। अगर इसमें बॉड मास का ये वाला रूल भी अगर लगा दें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जोड़ा जाएगा फिर घटाया जाएगा, तो इसके हिसाब से भी अगर देख लो तो सबसे पहले जोड़ लो इन्हें, अगर जोड़ेंगे विपरीत चिन्ह सीधी बात विपरीत चिन्ह, तो तब भी तो यहाँ वन हो जाएगा और ये घट के जो है वो प्लस का वन आएगा, तब भी तो 2 आएगा, क्लियर हो गया। तो ये आपका जो इतना इतने का वैल्यू है वो आ गई 2, आ गई 2 ये 2 आ गया। इसके बाद अब छोटा ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट खत्म हो गया, अब छोटा ब्रैकेट 4 में से 2 घट जाएगा क्योंकि और कोई संख्या तो है ही नहीं, तो 4 में से 2 ही घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये जाएगा 10 माइनस 6 प्लस 2 और यहाँ बचेगा सिर्फ 2 छोटे ब्रैकेट में। अब जो ब्रैकेट सॉल्व हो जाती है तो उसको वो हटा देते हैं, अब इस 2 जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे बराबर लगा सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस, अब ये 2 और माइनस 2 छोटी ब्रैकेट हट गई, ठीक, और कोई संख्या तो है नहीं तो सीधे घट ही जाएंगे, 2 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो ये जाएगा 10 माइनस 6 प्लस मझली ब्रैकेट में 0, ठीक, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट प्लस, अब 0 है तो 0 का कुछ तो होगा नहीं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस ब्रैकेट को हटा देंगे सीधे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 और कितना बचेगा, 4 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन और करा दे रहे हैं आपको, और इसका जो सेकंड इस चैप्टर का सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें उसमें हम आपको ये पूरा चैप्टर फिनिश करवा देंगे, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रह गए हैं इस चैप्टर के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करवा के चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कराएंगे जिसमें आपको प्रगुण पढ़ाएंगे हम, संक्रियाएँ, ठीक, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें आपका का वाला और जो भाग वाला नियम जो मैंने आपको अभी समझाया था वो उल्टा करने वाला, वो दोनों नियम इसमें लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो आपका जो रहा बचा है वो भी वर्ड मास का वो भी इसमें क्लियर करवा देंगे इस क्वेश्चन में। थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा है और सरल भी है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें आपका का वाला रूल लग जाएगा और भाग वाला भी रूल हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि भाग के आगे वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और का की जगह क्या आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है गुणा, ऑफ जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हमें बहुत सिंपल तरीका है सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो 1/5 ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, जो ऊपर का 1/5 है वो ऐसे ही रहेगा, ये जो भाग है यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये जो 1/5 है इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, और का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा, और 1/5 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसके नीचे वाली ए वाली लाइन देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको 1/5 को ऐसे लिख देंगे और का की जगह यहाँ आ जाएगा गुणा, इसके बाद एक बार अगला नेक्स्ट वाला वो भी 1/5 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो इसके बाद जो भाग लगा है तो भाग को गुणा में चेंज कर देंगे हम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1, ठीक है, काट के देख लो, इधर 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐसे तिरछे देखो जो ऐसे किस तरह से गुणा में जब लिखे होते हैं तो ऐसे तिरछे में कैंसिल होते हैं, ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं,
ठीक है, और इसी सेम यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑल ओवर यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ बचेगा ऊपर भी 1/5 बचेगा और नीचे भी 1/5 बचेगा, ठीक है, यही तो दोनों बचे, ये वाले दोनों, तो इनको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन छोटा था, सिंपल था, दोनों रूल इसमें हो गए, तो आए मुझे उम्मीद है इसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें बनाएंगे उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे, वो भी आपके करवा के ये चैप्टर पूरा सेकंड वाला फिनिश हो जाएगा, इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है, और देखते रहिए सीरीज, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपनों का और अपना ख्याल रखें, बस इतना ही करना, तो जल्दी मिलते हैं, बाय, जय हिंद।